أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہماری گفتگو مقدمات تفسیر میں چل رہی تھی اور تفسیر کے بنیادی مسائل کو ہم ڈسکس کر رہے تھے اور کچھ چیزیں بیان ہو گئی چند چیزیں باقی رہ گئی ہیں دیکھیں اگر آج کی کلاس میں اگر یہ مکمل ہو گئی تو کل اگلی دفعہ سے انشاءاللہ ہم باقاعدگی کے ساتھ تفسیر قرآن کا آغاز کریں گے اور آپ لوگ کے ریویژن کے لیے ایک کوئز ٹائپ ہے ریٹرن میں بہت ہی مختصر اوپن بک ہوگا آپشنل ہے آپ لوگ کا اس بہانے ریویژن ہو جائے گا تو جو افراد شرکت کرنا چاہیں تو اچھی بات ہے ہماری گفتگو محکم اور متشابہ کے ذیل میں چل رہی تھی آج اس محکم اور متشابہ اور تاویل اور تفسیر یا تاویل اور تنزیل کو کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت کہ جس میں آیات محکم و متشابہ کی ڈویژن کو بیان کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابہات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ و راسخون فی العلم جو آخری لیکچر تو اس میں آیات محکم اور آیات متشابہ کی تفصیل بیان کی محکم جس کا معنی ظاہر ہوتا ہے واضح ہوتا ہے اور متشابہ کہ جس کا معنی واضح اور روشن نہیں ہوتا ہے
फिर मोहकमात के दो तकसीम की थी, जाहिर व नस। और जाहिर का माना और नस का माना बयान किया। ये आयात मोहकमात, इसको हमसे मुराद यानी जो भी इसको समझने की सलाहियत रख सकते हैं, बस जिसकी बुनियादी शर्त है कि उसको अरबी की ग्रामर वगैरह आती हो। खुलासा है कि इसको दिक्कत करके, इसमें गौर फिक्र करके इंसान इसके माना को समझ सकता है, वो आयात मोहकमात हैं। आयात मुतशाबिहात कि कुरान ये बयान करता है कि ला यालमु तावीलहु इल्लल्लाह व रासिखूना फिल इल्मे, कि जिसकी मुतशाबे वो है कि जिसकी तावील, इंशाल्लाह तावील पर आज थोड़ी बहुत हम गुफ्तगू करेंगे, और इस सिलसिले में जो रिवायात भी हमारे पास आई हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और तावील उन मुतशाबे की जो तावील है उसकी जो मीनिंग्स हैं उसका इल्म कोई नहीं जानता है सिर्फ अल्लाह और रासिखूना फिल इल्म के। यहां पर आपकी खिदमत में एक नुक्ता अर्ज कर दूं कि खुद ये आयत में एक इबहाम कह सकते हैं कि ये जो आयत है सूरह आले इमरान की आयत नंबर 7 एक एहतमाल दिया गया है बाज मुफस्सिरीन की तरफ से कि ये रासिखून अल्लाह के ऊपर अत्फ नहीं है, यानी वो इस तरीके से कुरान की आयत पढ़ते हैं, यानी इस तरीके से स्टॉप करते हैं कि मा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, खत्म। व रासिखून फिल इल्म, ये आगे से कनेक्टेड है और रासिखून को अल्लाह के ऊपर अत्फ नहीं करते हैं। अत्फ का मतलब होता है, जैसे मिसाल के तौर अत्फ की मैं मिसाल दे दूं कि जैद आया और खालिद आया, तो ये खालिद जैद के ऊपर अत्फ है, यानी जैद भी आने वाला है खालिद भी आने वाला है, तो इसको कहते हैं अत्फ। मैंने देखा जैद को और खालिद को, तो खालिद अत्फ हो रहा है जैद के ऊपर, यानी जिसको मैं देख रहा हूं वो जैद भी है वो खालिद भी है, उसको अत्फ कहते हैं अरबी में। अब जाहिर थोड़ी बहुत अरबी साथ साथ सीखनी पड़ेगी तो कुरान की तफसीर और कुरान के माना समझ सके। तो बाज लोगों ने कहा कि ये रासिखून अल्लाह के ऊपर अत्फ नहीं है, यानी मा यालमु तावीलहु, कि इसकी तावील को कोई नहीं जानता है इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, खत्म, स्टॉप। व रासिखून फिल इल्म, ये फिर यहां से इब्तिदा है उसकी, व रासिखून फिल इल्म यकूलून आमन्ना बिह कुल्लु मिन इंद रब्बिना वमा कुल्लु मिन इंद रब्बिना, तो ज़ाहिरन मुसलमानों में अक्सर मुफस्सिरीन यानी अहले सुन्नत के अक्सर मुफस्सिरीन ज़ाहिरन इसी तरह माना करते हैं। अब हमारे बाद शिया भी इस किस्म की तफसीर बयान करते हैं, लेकिन बज़ाहिर अक्सर मुफस्सिरीन शिया और रिवायात कसीरा जो बयान करती है वो ये कहती है कि रासिखून अल्लाह के ऊपर अत्फ है, यानी यूं है वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह व रासिखून फिल इल्म, और यकूलूना ये उसके रासिखून के लिए सिफत बन जाएगा, उसकी
उन रासिखून की हालत बयान की जा रही, सिफत बयान की जा रही है कि रासिखून वो हैं कि जो ये कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाते हैं और जो कुछ है वो रब की तरफ से है। तो ये दो नज़र है, मुमकिन है इस बिना के ऊपर ये खुद आयत आयत मुतशाबे बन जाए। अब अगरचे वो अफराद की जो रासिखून को अलग शुमार करते हैं वो लोग की जो रासिखून को अलग शुमार करते हैं वो अब उनकी दलील है कि अम्मा का लफ्ज आया और अम्मा तफसील के लिए आता है। बहरहाल उसका जवाब अपनी जगह पे दिया जा सकता है, लेकिन बहरहाल हमारे पास रिवायात शायद मुतवातिर से बहुत ज्यादा रिवायात हमारे पास मौजूद है कि रासिखून को अल्लाह के ऊपर अर्ज किया है। जब अल्लाह को अल्लाह के ऊपर अर्ज किया है रिवायतों ने आकर, तो ये खुद जो कि वो रिवायात जो कि वो मुफस्सिर हो जाएंगी इसको बयान करने के लिए। बस ये एक नुक्ता जो इंशाल्लाह वहाँ पर जब हम दोबारा तफसीर करेंगे तो उस वक्त इंशाल्लाह इसकी वजाहत ज़्यादा बयान करेंगे और उन लोगों की दलील और उसका जवाब भी इंशाल्लाह देने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन शॉर्ट ये कि हमारे पास रिवायात मुतवातिरा मौजूद है इस बात के ऊपर कि रासिखून अल्लाह के ऊपर अर्ज़ है। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में उन रिवायतों को बयान करूँगा कि आज अगर मौका हुआ तो इंशाल्लाह आज कुछ रिवायतों को हम बयान करेंगे कि जिसमें ये बयान किया गया कि बयान किया गया कि रासिखून अल्लाह के ऊपर अर्ज़ है। तो अब आ जाइए लफ्ज तावील में कि तावील का क्या मतलब है, क्योंकि तावील यहां पर भी तावील आया है और कुरान में चंद मकामात पर लफ्ज तावील आया है। यहां पर क्या बयान किया कि ला यालमु तावीलहु इल्लल्लाहु व रासिखून फिल इल्म, कि इसकी तावील को कोई नहीं जानता है। तावील दर हकीकत इसका जो असल इसके अल्फाबेट्स हैं वो है अलिफ वाव और लाम। अच्छा, आप लोग चूंकि क़िरात से आशना हैं अरबी में अलिफ असल नहीं है बल्कि असल हमजा है, हमजा वाव लाम औल, और यानी रुजू करना पलटना। इसे लिसानुल अरब ने भी इसको बयान किया कि और यानी पलटना। अच्छा, बाज अहले लुगत ने इसको बयान किया है उसकी असल की तरफ पलटना। ओपस ये है पलटना, यानी किसी शय का किसी चीज की तरफ पलटना, इसको तावील कहते हैं। खूब, अब यहां पर आपकी खिदमत में बयान करें कि कुरान में दो बुनियादी तौर पर दो मकामात पर ये अगर जिन मुतादी जगहों पर लफ्ज तावील आया है, लेकिन हम दो जगह को तावील को हम डिस्कस करेंगे। एक सूरे यूसुफ की आयत नंबर 6
कि इसका बैकग्राउंड क्या है. सूरह यूसुफ की आयत नंबर 6 में तावील का लफ्ज आया है, लेकिन जो आगाज है यानी ये हज़रत यूसुफ के पूरे वाक्य को बयान किया गया सूरह यूसुफ की आयत नंबर 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. کہ اے بابا, حضرت یوسف نے والد کو کہا کہ اے بابا میں نے 11 ستاروں کو دیکھا اور چاند اور سورج کو دیکھا کہ جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں. 11 सितारों को देखा और चांद और सूरज को देखा कि जो मुझे सजदा कर रहे हैं. तो उस वक्त आयत नंबर 5 हजरत याकूब ने अपने फर्जंद से कहा काला या बुनैया ला तख्सुस रोया का अला इख्वतिक फयकीदु लका कैदन इन शैतान अल इंसान अदुव मुबीन. कि ए बेटा, अपने ख्वाब को अपने भाइयों को मत सुनाना, क्योंकि वो तुमसे जो वो हसद करेंगे, दुश्मनी करेंगे. और इन शैतान इंसान अदुव मुबीन, और शैतान ही है जो दुश्मन, खुला हुआ दुश्मन है इंसान का. अच्छा, उसके बाद आयत नंबर 100, छठी आयत को फिलहाल छोड़ दें. आयत नंबर 100 में, इस आयत नंबर 100 में इस वाक्य यानी हजरत यूसुफ ने ख्वाब देखा था. तो जब हजरत यूसुफ की मुलाकात हुई अपने वालिदैन से, और सब के सब हजरत यूसुफ के लिए सजदा रेज हो गए, उनके भाई और ज़ाहिरन वालिदैन भी, तो उस वक्त हजरत यूसुफ ने कहा कि काला या अबते हाज़ा तावील रोया या, कि बाबा ये मेरे ख्वाब की तावील है, जिसको हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ताबीर. तो यहां पर लफ्ज तावील आया है. खूब आपने मुलाहिज़ा फरमाया, यहां पर लफ्ज तावील आया है. इसी तरीके से सूरह कहफ में आयत नंबर 78 और 82, सूरह कहफ आयत नंबर 78 और 82 में लफ्ज तावील आया है, कि जिसमें हजरत मूसा और हजरत खिजर का वाकया, कि वो एक दफ़ा हजरत खिजर ने कश्ती में सुराख कर दिया, एक दफ़ा हजरत खिजर ने वहाँ की दीवार की तामीर कर दी, जबकि अहले गांव वालों ने उनका मेहमानदारी नहीं की थी, और एक दफ़ा वो तीसरा मोहरी था. और दूसरा मोहरी ये था कि हजरत खिजर ने एक बच्चे को कत्ल कर दिया, तो वहाँ पर हजरत मूसा ने एतराज किया था. तो वहाँ पर हजरत खिजर ने ये आयत नंबर 78 में कहा हाजा फिराक बैनी व बैनिक, कि ये तुम्हारे और मेरे दरमियान जुदाई है. सब उनबियों का बेतावील मालम तस्त अली सबरा, मैं तुमको अनकरीब खबर दूंगा जो जिस चीज पे तुम सब्र नहीं कर सके उसकी तावील. तो यहां पर भी लफ्ज तावील आया. तो तावील का मतलब क्या है? तावील का मतलब हुए है, एक है जाहिर, एक है बातिन. और कुरान अपने रिवायतों में भी इसको बयान किया गया कि एक जाहिर है और एक बातिन है. जो जाहिर है यानी जो वाज़ह है, एक चीज सामने नजर आ रही है. एक है बातिन, मख्फी, पसे पर्दा, छुपी हुई चीज. तावील दर हकीकत वो छुपी हुई चीज है. आपने ये दो किस्से मुलाहिजा फरमाए, एक हजरत यूसुफ वाला और एक हजरत खिजर और हजरत मूसा वाला. इन दोनों में लफ्ज तावील आया है. जो जाहिर में था वो क्या था? वो ये थे कि सितारे
और चांद और सूरज सजदा कर रहे हैं, ये जाहिर है। अब इसकी इसको एक मख्फी चीज की तरफ पलटाने को तावील कहते हैं। और वो क्या चीज है? वो ये कि हजरत यूसुफ के वालदेन और उनके भाई यो ने सजदा किया हजरत यूसुफ को, तो वो सितारों का सजदा करना था कि ये एक जाहिरी चीज थी, लेकिन हकीकत में जो चीज है, जो नुक्ता है जिसकी तरफ बात पलट रही और खुदा पैगाम देना चाहता है, वो ये कि हजरत यूसुफ के वालदेन और उनके भाइयों का हजरत यूसुफ के लिए सजदा करना है। तो जो ख्वाब देखा था उस ख्वाब में ये नहीं देखा था। तो आपने देखा कि जाहिर कुछ है और बातिन कुछ है, उस बातिन को तावील कहते हैं कि जिसकी तरफ बात पलट जाती है, जो हकीकत में है, जो चीज जाहिर वो मकसद नहीं है, वो दर हकीकत बयान करना नहीं है, बल्कि हकीकत में मेरे जमाने के जो कुफार थे उन पर मैंने जंग की, उनके साथ मैंने जंग की, और तुम तावील कुरान पर जंग करोगे, यानी दर हकीकत नाकेसीन और कासेतीन और मारेकीन, सिफीन और जमल और नहरवान, कि ये दर हकीकत तावील कुरान है, ये यानी जाहिर में ये लोग मुसलमान थे लेकिन ये लोग भी उनकी तरफ पलट गए जिस पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की। खूब उसकी मिसाल मुलाहिजा फरमाइए कि जंगे जमल में अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह के मद्दे मुकाबिल तलहा और जुबैर थे, जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन की इमामत के ऊपर बैअत की और बाद में उस बैअत को तोड़ दिया। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम ने इस आयत को पढ़ा, सूरह तौबा की आयत नंबर 1212। وَإِنَّكَسُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ أَنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اب ظاہری طور پر تو یہ آیت رسول کے زمانے میں نازل ہوئی ہے، اور رسول کے زمانے میں جو آیت نازل ہوئی تو یہ تنزیل ہو جائے گی، لیکن تاویل اب امیر المومنین کے زمانے میں یہ واقعہ رونما ہوا، چونکہ طلحہ اور زبیر نے امیر المومنین کے ساتھ بیعت کی تھی، تو امیر المومنین اس آیت کو پڑھا کہ تم لوگوں نے، ان لوگوں نے اپنے عہد اور وعدوں کو اور اپنے عہد اور پیمان اور وعدوں کو توڑ دیا اور اپنے دین میں برائی کر دی، مثلا فقاتلو، بس اب تم جنگ کرو کافروں کے اماموں کے ساتھ، یعنی بڑوں کے ساتھ تم جنگ کرو، کیوں؟ انہم لا ایمان لہم، کیونکہ اب ان کا کوئی عہد و پیمان باقی نہیں رہا، کوئی وعدہ نہیں رہا، جب انہوں نے عہد شکنی کر دی اور وعدہ توڑ دیا تو اب ختم، اب ان کا ایمان ختم ہو گیا، اب تم ان سے جنگ کرو۔ تو آپ نے توجہ کیا، آپ نے کہ امام نے یہ تعویل ہو جائے گی، چونکہ یہ امام کے زمانے میں تو نہیں تھے، یہ امام کے زمانے میں تو وعدہ شکنی نہیں ہوئی، امام کے زمانے میں تو وعدے کو نہیں توڑا گیا، سوری معذرت کے ساتھ، رسول کے زمانے میں تو وعدہ نہیں توڑا گیا، رسول کے زمانے میں تو وعدہ شکنی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ رسول، کیونکہ اس آیت کا سرنامہ، اس آیت کا جو شان نزول تھا وہ کون تھا، شان نزول وہ کون تھے، وہ کفار تھے رسول کے زمانے میں، وہ رسول کے زمانے کے کفار تھے، لیکن ابھی جو کفار ہیں وہ ابھی جو امیر المومنین کے زمانے میں کے جو امیر المومنین اس آیت کو پڑھ رہے ہیں یہ تاویل ہو جائے گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ تنزیل یعنی رسول کے زمانے میں، تاویل یعنی بعد کے زمانے میں۔ خوب، اسی طرح جنگ صفین میں،
جنگی سفین میں امیر المومنین کے ساتھ عمار یاسر تھے اور اس کے مد مقابل امیر شام کی سپہ سالاری میں جنگ تھی، یعنی سپاہ اسلام. اچھا، اب اس میں کس طریقے سے تعویل و تنزیل ہے؟ چونکہ جو اموی ہے بنی امیہ سے، اس کا جو بڑا تھا وہ ابو سفیان تھا، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا جنگ احزاب میں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب میں ابو سفیان کے مقابلے میں جنگ کی تھی. امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں ابو سفیان کا بیٹا حاکم شام نے جنگ کی امیر المومنین جنگ صفین میں. لہذا عمار یاسر نے یہ شعر پڑھا، نحنو ضربناکم علی تنزیلہ، ہم نے تم لوگوں کے ساتھ جنگ کی تھی، علی تنزیلہ، تنزیل کی بنا پر رسول کے زمانے میں. فالیوم نضربکم علی تاویلہ، اور آج ہم تم سے لڑ رہے ہیں تعویل کی بنا پر. آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہ تنزیل اور تعویل ہو گئی، اور اسی کی طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا کہ تو میں تم جو کہ وہ تعویل ہے قرآن پر جنگ کرو کہ میں تنزیل ہے قرآن پر جنگ کروں، میں نے کی ہے، میں نے تنزیل قرآن پر جنگ کی، تم نے تعویل قرآن پر جنگ کی ہے. خوب، بس آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا، تنزیل اور تعویل، یعنی تنزیل ظاہر ہو جائے گا اور تعویل اس کا معنی باطن کہہ سکتے ہیں اس کو آپ، تو آپ اس کے ساتھ میچ کر سکیں گے جو پہلے تفسیر بیان کی تھی. یہاں پر کچھ فرق تنزیل اور تعویل کے درمیان میں بیان کرتے ہیں، توجہ فرمائیں. اچھا، اس سے پہلے ایک روایت ملاحظہ فرمائیے، کہ روایت بظاہر صحیح روایت مگر یہ بظاہر درجہ کی روایت ہے، روایت ہے پانچویں امام سے. کہ پانچویں امام فرماتے ہیں کہ ما من القرآن آیت الا ولها ظاہر و بطن، کہ قرآن میں کوئی بھی آیت نہیں ہے مگر ایک اس کا ایک ظاہر اور اس کا بطن ہے. بس آپ نے ملاحظہ فرمایا، ہر آیت کا ظاہر بھی اور باطن بھی ہے. ظاہرہ تنزیلہ و بطنہ تعویلہ، اس کا جو ظاہر ہے وہ تنزیل ہے اور اس کا جو باطن ہے وہ تعویل ہے. بات جو تعویل ہے، منہ ما قد مضا و منہ ما لم یکن یجری کما یجری شمس والقمر کما جا تعویل و شئی منہ یکون علی الاموات کما یکون علی الاحیاء. خب، اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ چیزیں جو پہلے گزر چکی ہیں اور جو ابھی تک نہیں آئی ہیں، اور یہ اسی طریقے سے جاری اور ساری ہے جس طریقے سے چاند و سورج، یعنی کہ قرآن کی آیات چاند و سورج، یعنی کہ چاند و سورج جاری سے مراد کیا ہے، یعنی ایک دن چاند آتا ہے، سورج آتا ہے، پھر چاند آتا ہے، پھر سورج آتا ہے، پھر چاند آتا ہے، اس طریقے سے سلسلہ چلا جا رہا ہے. اسی طرح قرآن کی آیات بھی اس کی بھی جو مصادیق اور اس کی بھی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، چلی جا رہی ہے.
हो। यहाँ पर कुछ डिफरेंस बता रहे हैं या कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, यानी कुछ नतीजे निकाल रहे हैं। एक नतीजा यह है कि तंजील जो जाहिर होता है तावील बातिन होता है, और जाहिर को इंसान समझ सकता है, बातिन को कोई नहीं समझ सकता है सिवाय रासिखुना फिल इल्म के, अल्लाह और रासिखुना फिल इल्म। ये एक नुक्ता। दूसरा नुक्ता कि कुरान सूरज और चांद की तरह जारी है, और ये तंजील के बारे में, ये तावील के बारे में है, तंजील नहीं है। तंजील आ गया, खत्म हो गया। तावील चांद और सूरज की तरह है, तावील चांद और सूरज की तरह चलता रहेगा। तीसरा नुक्ता ये है, ये नुक्ता काबिल तवज्जो नुक्ता है, बहुत ही अच्छा दिलचस्प नुक्ता ये कि तंजील और तावील को एक मिसाल देते हैं। उर्दू का भी एक मुहावरा है कि बेटी को डांटो तो बहू को पता चल जाए, या आप जोर से बोलो ताकि पड़ोसी को पता चल जाए। तंजील और तावील भी इसी तरीके से है। तंजील बेटी हो जाएगी और तावील बहू हो जाएगी। आप जोर से बोलो ये तंजील हो जाएगा, और पड़ोसी को पता चल जाए ये तावील हो जाएगा। और इस तरीके से जो वो बस तंजील उमूमी है और तंजील खसूसी और तावील उमूमी है, क्योंकि तंजील एक खास को बोला जा रहा है, एक खास मोरिद के लिए है। चौथा नुक्ता बहुत उम्दा है, इसे तावील मजीद समझ में आ जाएगा। तंजील जाहिर कुरान है कि जिनके लिए ये कुरान नाजिल हुआ, और तावील ये है कि जो लोग जिनके लिए कुरान नाजिल वो जो हकीकत में है बयान करना, वो दर हकीकत तावील है। इसी तरह हजरत खिज़्र और हजरत मूसा अलैहिमा वअला नबीना वअली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन दोनों बुजुर्गवार के जो वाकये में है, अब जाहिर में क्या था, जाहिर में ये देख रहे थे हजरत मूसा कि ये एक गजबी काम किया हजरत खिजर ने, एक नामशरू काम किया हजरत खिजर ने, और हजरत खिजर ने ये जो काम किया ये नामुनासिब काम किया, ये काम नहीं करना चाहिए था उनको। लेकिन हजरत खिजर ने बाद में इसकी तावील की, और वो तावील क्या की, तावील ये की कि चूंकि बादशाह दर हकीकत जो कश्तियां थी उसको चोरी कर रहा था, जो अच्छी कश्तियां थी, तो मालिक को उस चोरी से बचाने के लिए ये काम किया। इसी तरह बाकी दो की तावील भी ये बयान की गई। हो बस आपने मुलाहिज़ा फरमाया, जाहिर में चोरी किया जा रहा है, जाहिर में उस जो गांव वाले हैं या देहात वाले हैं जहां पर हजरत खिज़्र हजरत मूसा की मेहमानदारी नहीं की, जाहिर में उनके ऊपर एक एहसान किया जा रहा है जमीन दीवार को तामीर करके, लेकिन दर हकीकत वो दीवार को तामीर किया गया क्योंकि वो यतीम का माल था, वो यतीम का माल था, तो यतीम के माल की हिफाजत के लिए कि वो गांव वाले उस यतीम के माल को हड़प ना कर ले, तो ये दर हकीकत उसकी तावील थी। या उस बच्चे जो बूढ़े माँ बाप थे उसके बच्चे को कत्ल कर दिया, तो जाहिर में कत्ल था, एक नामशरू काम था, लेकिन उसके पीछे राज ये था कि ये बच्चा बड़े होकर उन वालदेन के लिए बायस अजियत था, खुदा इनको बाद में नेक औलाद अता करेगा। तो ये उसकी तावील है कि जाहिर कुछ है
جو باطل ہے وہ تعویل ہے. تو یہ ایک تعویل کا ایک معنی یہ ہے. تعویل کا یہ ایک معنی ہے کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا اچھا قرآن میں اب یہ توجہ کریں کہ یہ بات تو یہاں تک تعویل واضح ہو گئی. اب تعویل بعض اوقات تنزیل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تنزیل اور تعویل تنزیل اور تعویل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو آیا وہ تعویل کوئی الگ تعویل کے معنی ہے یا در حقیقت ایک ہی چیز ہے؟ خب پہلے میں آپ کی خدمت میں اس تنزیل کے استعمالات کو بیان کر دوں. تنزیل کا مطلب کیا ہے؟ تنزیل جو تعویل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, تنزیل جو تعویل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے وہ جو استعمال ہوتا ہے وہاں پہ تنزیل اور تعویل کا مطلب کیا ہے؟ تنزیل سے مراد قرآن ظاہری طور پر جس مورد کے لیے قرآن کی آیات نازل ہوئی اس کو تنزیل کہیں گے, اور بعد کے زمانے میں اس کے جو مصادیق ہوں گے اس کے دوسرے انہیں جب مثال آئے گی تو بات واضح ہو جائے گی. مصادیق کہ قرآن جب نازل ہو رہا ہے تو جب نازل ہو رہا ہے تو یہ تنزیل ہے, اور بعد کے زمانے میں قرآن جو ہے وہ کسی اور افراد کے اوپر منطبق ہو رہا ہے اور اس کے کچھ اور مصادیق ہوں گے وہ تعویل ہو جائیں گے. اب آپ ملاحظہ فرمائیں, جیسے مثال دوں میں آپ کو, اب یہ ایک مثال ہے, اس سے واضح مثالیں آگے بیان ہوگی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 ان یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان لانے والو, جب فاسق تمہیں کوئی خبر دے تو تحقیق کرو, ورنہ تم اگر جہالت کی وجہ سے اگر کوئی اقدام کرو گے تو بعد میں تم پشیمان ہوں گے, نادم ہوں گے. خب یہ آیت کس کی شان میں نازل, یعنی کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ یہ ولید بن عقبہ کے لیے یا بعض روایتوں میں بیان کیا گیا کہ عائشہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. ان جاءکم فاسقون, جب فاسق کوئی خبر دے تو تحقیق کر لو, یہ تنزیل ہے. لیکن چونکہ آیت پہلے بھی بیان کی اور ابھی انشاءاللہ بعض روایتوں کو بیان کریں گے, چونکہ آیت
जारी और सारी है चांद और सूरज की तरह इला यौम अल-क़ियामा। लिहाजा अब जो जो इस आयत के मिज़दाक बनते चले जाएंगे, जो भी फासिक होगा, ये आयत उनके ऊपर भी मुंतबिक होती चली जाएगी, उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होती चली जाएगी। और इसी तरह आयत के तंजील यानी जिन पर नाजिल हुई और तावील जिनके ऊपर नाजिल होगी, जिसकी मैंने मिसाल शायद पहले दी थी, आयत विलायत इन्नमा वलीकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूना सलाह व युतूना ज़का व हुम राकिऊन, अभी अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहि पर नाजिल हुई। लेकिन क़यामत तक जो इमाम आते रहेंगे वो वली बनते रहेंगे, ये तावील हो जाएगी। या जैसे सूरह रात की सातवीं आयत, सेवेंथ आयत क्या है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमा अंता मुंज़िर वलिकुल्ली क़ौमिन हादिन। ऐ रसूल, तुम मुंज़िर हो, तुम कौम को डराने वाले हो और हर कौम का हादी होता है। रिवायत ने आकर बयान किया कि अना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अनल मुंज़िर, मैं डराने वाला हूं और अली हादी है, इला अमरी मेरे अम्र की तरफ, मेरे अहकामात की तरफ, मेरे अवामिर मेरे ऑर्डर्स की तरफ, क्योंकि वो अली हिदायत देने वाले हैं। तो अब ये आयत का शान नुज़ूल, तंजील कौन है, वले कुल कौमिन हादिन का तंजील कौन है, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। लेकिन चूंकि हमारे पास रिवायत है इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंज़िर व अली हादी व कुल इमाम हादिन लिल क़र्न लज़ी हुआ फी है, अली हादी है और हर इमाम हादी है अपने अपने जमाने में, जिस जमाने में वो जिंदगी गुजारेंगे हर इमाम हादी है, हिदायत करने वाले हैं। अब देखा आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि हर इमाम हादी है, तो अब ये आयत तावील तंजील हो जाएगी अमीरुल मोमिनीन के एतबार से और बाकी इमामों के एतबार से तावील हो जाएगी। खूब इसी तरह हमारे पास रिवायत है खदमी मरतबत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि खदमी मरतबत फरमाते हैं कि फतुकातिल अला तावील कुरान कमा कातल तो अला तंजील ही, कि ए अली तुम तावील कुरान पर जंग करोगे जिस तरह मैंने तंजील कुरान पर जंग की। तो जो फरमाते हैं मैंने तंजील के ऊपर जंग की, तुम तावील के ऊपर जंग करोगे, यानी क्या मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि तुम तावील पर जंग करोगे, तुम तावील पर जंग करोगे इसका क्या मतलब हुआ और मैंने तंजील पर जंग की, यानी ये तवज्जो करें। चौथा नुक्ता क्या है, ये नुक्ता काबिल तवज्जो है कि ये रिवायतों में आया है, ये तावील को बहुत अच्छे तरीके से बयान कर रहा है और आपको जंगे सिफीन और जंगे जमल वाला मतलब भी अच्छी तरह वाजे हो जाएगा। कि तंजील यानि जिन लोगों के लिए कुरान नाजिल हुआ ये तंजील हो गया, और तावील वो लोग जो उन लोगों की तरह जिनके लिए कुरान नाजिल हुआ था अमल करते हैं बाद के जमाने में, वो उनमें शामिल हो जाएंगे। अब मिसाल दूं मैं आपको, तो पहले तो यही मिसाल कि अबू सुफियान तंजील हो गया और हाकिम शाम चूंकि अपने बाप की पैरवी करते हुए अमल कर रहा है
तो अब उनको भी शामिल हो जाएगा तो ये तावील हो जाएगा। या तलहा और जुबैर वाली मिसाल में, जंग जमल वाली मिसाल में, कि कुफार काफिरों ने सूरह अहज़ाब में यहूदियों ने उन्होंने वादा किया तो उनके शान में उनके हक में कुरान की आयत नाजिल हुई जिसकी तिलावत की थी। क्या थी कुरान की आयत? नकसू वाली आयत जी, सूरह तौबा की आयत नंबर 12। सूरह तौबा की आयत नंबर 12। अब ये सूरह तौबा की आयत नंबर 12 ये अब तंजील क्या हो जाएगा? वो यहूदी कि जिन्होंने पैमान शिकनी की थी, वादे को अपना अहद को तोड़ा था, तो वो तंजील हो जाएगा। और चूंकि तलहा और जुबैर ने उन लोगों की पैरवी की, उनकी तरह अमल अंजाम दिया, तो अब अमीरुल मोमिन के जमाने में ये आयत उनके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रही है, उनके ऊपर जारी हो रही है, तो वो तावील बन जाएंगे। तो ये एक फर्क आपने मुलाहिजा फरमाया। तंजील हमेशा पहले होता है, तावील हमेशा बाद में होता है। तो ये आपने फर्क को मुलाहिजा फरमाया कि ये सारे फर्क है तावील और तंजील के बारे में। अब यहां आपकी खिदमत में चंद रिवायतों की तरफ इशारा करना था। जैसे ये हदीस है कि ज़ाहिर कुरान वो है कि जिनके उसमें नाजिल हुआ, और बातिन कुरान वो है कि जो उन लोगों की तरह अमल को अंजाम देते हैं। तो अब यहां पर चलें इसको, इन अहादीस को हम अगली दफा हम इसको पढ़ लेंगे और कोशिश करेंगे कि अगली दफा इन रिवायतों को पढ़ लेंगे जिसमें तंजील और तावील के सिलसिले में हमारे पास कुछ रिवायत आई है, कुछ नुकात काबिले तवज्जो हैं, उसको हम देख लेंगे। और इंशाल्लाह अगर कोई और नुकता अगर हमारे सामने नहीं आया तो फिर इंशाल्लाह हम अगली दफ़ा से हम बाकायदा कुरान की तफसील इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।